पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अरे मोटू सोचना क्या है, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। जॉन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा कौन? हे तुम्हें मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। पहले छोटो तक करता पहले लफले बजाता और कागज भी बजाता और सिगरेट डब्बे बजाता हूँ, यहाँ यहाँ करता डुबलू की बजाता। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शादी शुदा होके बबीता बबीता कर रहे हैं। अरे मेरे हाथ नहीं लगी बबीता तो आपके हाथ क्या लगेगी। अभी हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पर गयो, दिल्ली तक पहुंचो, किसी कारण गड़ो खराब हो गयो, जिसके कारण आगे को नहीं जा पायो। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल मैं बीकानेर के अंदर मौजूद हूँ और हालांकि दृष्टि बाधित है रामदेव और खास इंटरव्यू है, आप बातचीत कराऊंगा, परिवार का सदस्य है अपने साथ मौजूद है, विशेष कार्यक्रम है आज वो, और वीडियो लाइक करियो और शेयर है वो जरूर करियो। वाकई मैं आज एक खास शख्स उन मिलवाऊंगा कि मैं यहाँ केस कहाँ के आप पिछले दिनों खूब वायरल है वह हो रहा है, तो वीडियो शेयर करियो और किशोक प्रोग्राम लगा आज वो भी थे कमेंट जरूर करियो। एक बार फिर मैं लोकेशन बता दूँ थाने, बीकानेर के अंदर हूँ, थे माता जी हो नहीं, रामदेव की माता जी है और थारोपरी जी थे, फूफा जी, फूफा जी थारोपरी जी, चाचा जी है और रामदेव की दादी जी है, दादी जी है। तो वीडियो वाकई में एक खास होना रहा है, वीडियो लास्ट तक देखियो और वीडियो शेयर जरूर करियो। राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम। अच्छा एक बार आपने दर्शकों ने है परिचय दे दियो, क्योंकि हनुमानगढ़ पर पहली बार इंटरव्यू है थारो होने लग रहे। मेरा नाम रामदेव गहलोत है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और अभी कक्षा मैं 10 में अध्ययन कर रहा हूँ, 10वीं क्लास के अंदर। हाँ जी। अच्छा तो रामदेव जी यहाँ पढ़ाई लिखाई है किसी सरकारी में या प्राइवेट स्कूल में? वो तो सरकारी स्कूल में होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई। और हाँ जी। और रामदेव की एक खास बात है कि मोटू पतलू जी आवाज़ है बन ले गए और भी कलाकार इसे जो बंग बेखूबी जी की आवाज़ है बन निकाले और वायरल भी खूब हुए। हालांकि भाई साहब सुदेश राजस्थानी अपन आज मिलवाए हुए, वाकई में एक शानदार शख्स सुदेश जी भी है और आगो भी बहुत बहुत आभार है कि मैंने हाँ परिवार में आज मिलने को मौको मिलो है। तो एक बार आवाज़ है भाभी सुनाओ चीज़। तो मैं सबसे पहले मोटू की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अरे मोटू सोचना क्या है, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अब जॉन की आवाज, जॉन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा कौन? हे तुम्हें मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। शानदार है साथियों, आज रात 12 बजे से, और घबराइए नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। वाकई में शानदार, मतलब शुरुआत में ही अंदर शुरू में बोलने लग गया यही साहब। हाँ ये शुरू से बोल, थोड़ा सा लिली साइड में जो थोड़ा सा गठा दो, शुरू में क्या बचपन में? बचपन से ही, बचपन में। अभी रामदेव की कितनी उम्र है? 16 साल रहता है, 16 साल है। बच्चों ने यही साहब ही था ना बताना था, यही साहब बोलता है, ऐसे बोलता है आवाज़। तो अभी दिन में चल निकाल लग गयो, पहला भजन कीर्तन ये में है। पहले छोटो तक करता हूँ, पहले लफले बजाता और कागज भी बजाता और सिगरेट डब्बे बजाता हूँ, यहाँ यहाँ करता डुबलू की बजाता हूँ। जी को पहचान है, सबसे पहला मार ससुर जी, ससुर जी जी का है वे पहचान करी। अच्छा ससुर जी नाम है स्वर्गीय शंकर लाल जी गहलोत, बे इन प्रतिभा पहचान करी और बे पहला सुया देख लियो कि आगे जा रो बहुत बड़ो नाम कर सी। अच्छा। और भी यानी बात आज आगे आ गई कि आगे जा बहुत बड़ो नाम कर रही है। अभी हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पर गयो, दिल्ली तक पहुंचो, किसी कारण गड़ो खराब हो गयो, जिसके कारण आगे को नहीं जा पाइयो, लेकिन आज नहीं तो कल प्रतिभा छिपी रह कौन सके, वह आप असर जरूर दिखा सी।
ई वास्ते। तो आपरी प्रतिभारी पहचान और खुद करिए, नाम ही रामदेव है, तो राम सा पीर रुकिया ना आगे कड़ी रुकसी। अच्छा, नहीं आकत की बात है इंडिया आइडल के अंदर। अभी ये सुपरस्टार 3 दिल्ली में हमारा लास्ट था ऑडिशन, उसमें गला एकदम अचानक से जाम हो गया, तो डॉक्टर ने सलाह दी एक बार 1 महीने के लिए इसको वॉइस को स्टॉप रखो, जितना कम हो सके उतना बोलो। लेकिन आपकी प्रतिभा को लो मनवाए। हाँ, उन्होंने बुला रखा था हमें, क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑडिशन क्रॉस किया था, जयपुर वाला क्रॉस कर लिया था, फिर दिल्ली में फाइनल था, उसके बाद सीधी टीवी में सोनी टीवी पे एंट्री थी। अच्छा, रामदेव भट्ठे को अनुभव है वो के कुछ रहे हो वहाँ पर? अनुभव बड़े मंच पर जानो, वहाँ पर अनुभव बहुत अच्छा रहा, और वहाँ पर मतलब एक आनंद भी रहा, अच्छे से मैं गा रहा था, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, बस वो गले की वजह से थोड़ी सी परेशानी थी। नहीं, अब रामदेव की ओरिजिनल वॉइस है ये? हाँ जी बिल्कुल। ओरिजिनल वॉइस है ये, तो ओरिजिनल वॉइस है। अच्छा अच्छा, नहीं बैठा के कुछ के किशो गीत वगैरह के दर्शकान जी को सुनाए हो के कुछ डायलॉग? वहाँ पर मैंने एक सॉन्ग गाया था, बता दो, किशोर कुमार जी के गाया हुआ, मेरा जीवन कोरा कागज। थोड़ी दो लाइन भी। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। वाकई में शानदार, यानी दृष्टि बाधित यहाँ जन्म ही है कि थोड़ा बहुत दिखाई देवे? नहीं, ये तो जन्म जन्म तो लाइट जल रही है, तो ये तो प्रकाश है, लाइट जल रही है बस। अच्छा, लाइट बंद करते ही गई, अंधेरा बिल्कुल। ये बोल रहे मैंने रामदेव, कितना कितना भाई बहन है? 3 भाई है, 1 बहन है। 3 भाई। अच्छा रामदेव, जहाँ जेठालाल की भी आवाज़ आवे बतावे? हाँ जेठालाल बिल्कुल आती है। हाँ, तो जेठालाल बिना तो सारी अधूरी है थी। बिल्कुल। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शादीशुदा होके बबीता बबीता कर रहे हैं? अरे मेरे हाथ नहीं लगी बबीता तो आपके हाथ क्या लगेगी? आजकल बबीता जी के दर्शन नहीं हो रहे। ओ सूरत दादा, आप हमेशा मुझे आपके दर्शन मुझे हमेशा होते हैं, अभी जरा चांद के भी दर्शन करा दो यार। अगर अय्यर देख ले तो, अय्यर देख ले तो। ओ जय डरल, ये मेरे घर की तरफ क्या देखता है? अरे अय्यर भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं आपके घर की तरफ नहीं देख रहा था तो। अरे आपके घर की और जो पक्षी उड़ रहा है ना, उसको देख रहा था। अच्छा, वो कौन सा पक्षी उड़ रहा था? अरे वो देखने गया तब तक कहाँ रहा, वो उड़ गया। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई है क्या जी आवाज से निकाल सको? इनके अलावा बस और ऐसा बॉलीवुड कलाकार, कोई हॉलीवुड कलाकार, कोई ऐसा कोई बॉलीवुड कलाकार तो नहीं। पसंदीदा कौन है कोई? कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 4-4-4 बीकानेर जंक्शन से चलकर सूरतगढ़ को जाने वाली, इसके यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। अगर बैठे क्रॉस करवा है, वाकई में शानदार है, मतलब कोई शब्द को नहीं आज कहने में। तो वीडियो है वो शेयर जरूर करियो, उम्मीद करूँगा तुम वो वीडियो है बहुत बढ़िया लगे हो, और चैनल पर यदि नहीं हो तो मैंने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ताकि हनुमानगढ़ की देसी अंदाज में देसी खबरें वे थन मिल जाएगी। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।